टुडे आई डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द निम्बुलाइजर। निम्बुलाइजर एक मशीन होती है जो कि कोई मेडिसिंस होती है उनको इनहेल रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इनहेल कराने के लिए असेंशियल होती है, जिसको हम बोलते हैं निम्बुलाइजर। तो निम्बुलाइजर क्या होता है कि इट इज़ ए ड्रग डिलीवरी डिवाइस मेनली, मतलब ये ड्रग को डिलीवर करने वाली डिवाइस है, यूज्ड टू मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन टू द फॉर्म ऑफ मस्ट विच इनहेल्ड इन टू द लंग। मतलब ये मेडिसिंस वगैरह को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक वाफ के रूप में यूज़ कर की जाती है, जो कि डायरेक्ट वाफ जाती है लंग्स में, जिसे हम कहते हैं निम्बुलाइजर। किस किस कंडीशन में हम निम्बुलाइजर करते हैं? सिस्टिक फिब्रोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें हम निम्बुलाइजर का यूज करते हैं। अस्थमा, जो पर्संस के एयरवे है वो हाइपर एक्टिव हो जाए, उस कंडीशन में हम निम्बुलाइजर का यूज कर सकते हैं। वो सीओपीडी मतलब क्रोनिक ओब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी अपन निम्बुलाइजर का यूज ले सकते हैं। अदर रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कोविड में भी हम निम्बुलाइजर का यूज़ ले रहे हैं। काफ़ी हद तक ये इफ़ेक्टिव बताया जा रहा है, क्योंकि जो निम्बुलाइजर होता है उसके थ्रू मतलब जो भी वेस्ट होता है बैक्टीरिया वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो एक्सक्रिएट हो जाते हैं। सो इन दिनों कोविड में इसका बहुत यूज लिया जा रहा है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ड्राउजीनेस, मतलब पेशेंट को चक्कर वगैरह आएंगे और माउथ में इन्फेक्शन के भी चांस रहेंगे, क्योंकि इसमें स्टीम जा रही है, भाप जा रही है, जिसके कारण एयरवे में मतलब इन्वायरमेंट रहेगा इन्फेक्शन होने का। सो ये होता है निम्बुलाइजर।